हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित एंड वेलकम टू एडिटेक। दोस्तों, आप अगर 9000 रुपये में एक अच्छा स्मार्टफोन देख रहे हैं जिसमें आप आराम से पबजी जैसे गेम्स को खेल सके और साथ ही इन फोन में आपको जो है अच्छा डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी मिल जाए, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे ही बेस्ट स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि आपको 9000 रुपये के प्राइस के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इन स्मार्टफोन को परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है कोई भी स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखते रहेगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। पांचवे नंबर पे आता है टेनोर कंपनी का टेनोर ई स्मार्टफोन, जो कि आपको 6700 रुपीज में अमेजोन पे मिलेगा। टेनोर ई फोन में आपको जो है 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है जिसपे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 1.4 गीगाहर्ट्ज में ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन का 430 का प्रोसेसर मिलता है जिसमें आप जो है आराम से गेम्स को खेल सकते हैं। एंड्रॉइड का आपको इसमें ऑडियो दिया गया है, तो 3GB का रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है जिसको आप चाहे तो मेमोरी कार्ड से एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। 13 मेगापिक्सल का आपको इसमें रियर कैमरा मिलता है जिसमें आपको LED फ्लैश के साथ PDF HDR दिया गया है। तो 5 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिलता है जिसमें आपको सॉफ्ट LED फ्लैश दिया गया है। 4000mAh की बैटरी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और 4G VoLTE का सपोर्ट मिलता है। फोर्थ नंबर पे आता है शाओमी का रेडमी 6 स्मार्टफोन, जो कि आपको 8000 रुपीज के प्राइस पे फ्लिपकार्ट और mi.com की साइट पे मिलेगा। शाओमी रेडमी 6 फोन में आपको जो है 5.45 इंच का HD प्लस फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको 2 GHz में ऑक्टा कोर मीडियाटेक का हेलियो P22 का प्रोसेसर दिया गया है। ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पे बना हुआ प्रोसेसर है जो कि पावरफुल और बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है जिसमें आपको एंड्रॉइड का 8.1 ऑडियो मिलता है। 3GB का रैम दिया गया है, तो 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है जिसको आप चाहे तो मेमोरी कार्ड से एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है, तो इसमें आपको PDF HDR और LED फ्लैश दिया गया है। 5 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिलता है, 3000mAh की बैटरी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और 4G VoLTE का सपोर्ट मिलता है। तीसरे नंबर पे आता है लिनो कंपनी का K9 स्मार्टफोन, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन है। ये फोन आपको 9000 रुपए के प्राइस में फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। लिनो K9 स्मार्टफोन में आपको 5.7 इंच का HD प्लस फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जिसपे आपको 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है। 2 GHz पे ऑक्टाकोर मीडियाटेक का हेलियो P22 का प्रोसेसर मिलता है जो कि काफी बढ़िया प्रोसेसर है। इसमें आपको एंड्रॉइड का 8.1 ऑडियो मिलता है। 3GB का रैम दिया गया है, तो 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है जिसको आप चाहे तो मेमोरी कार्ड से एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है जिसमें आपको PDF और LED फ्लैश दिया गया है। वही आपको इसमें ड्यूल फ्रंट कैमरा मिलता है जिसमें आपको 13+5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जिसमें आपको सॉफ्ट LED फ्लैश मिलता है। 3000mAh की बैटरी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और 4G VoLTE का सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, सेकंड नंबर पे आता है Realme कंपनी का Realme 2 स्मार्टफोन, जो कि आपको 9000 रुपीज के प्राइस में फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। Realme 2 फोन में आपको जो है 6.2 इंच का HD प्लस 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो में जो है नॉच डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको जो है बेजल बहुत ही कम दिए गए हैं। 1.8 GHz में ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर मिलता है जो कि अच्छा प्रोसेसर है जिसमें आप जो है गेम्स को खेल सकते हैं। एंड्रॉइड का आपको इसमें 8.1 का ऑडियो मिलता है। 3GB का रैम दिया गया है, तो 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है जिसको आप चाहे तो मेमोरी कार्ड से एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है जिसमें आपको PDF HDR और AI के कई सारे फीचर दिए गए हैं। साथ ही आपको इसमें रियर कैमरे में LED फ्लैश भी दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिलता है जिसमें आपको फेस ब्यूटिफिकेशन मोड्स दिए गए हैं। 4230mAh की बैटरी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और 4G VoLTE का सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, मेरे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है टेनोर कंपनी का टेनोर जी स्मार्टफोन, जो कि आपको 8000 रुपए के प्राइस में अमेजोन पे मिलेगा। टेनोर जी स्मार्टफोन में आपको प्रीमियम मेटालिक यूनिबॉडी डिजाइन मिलता है जिसमें आपको 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको 2.5D कर्व ग्लास एनकोरिंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें आपको 2.2 GHz में ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन का 626 का प्रोसेसर मिलता है जो कि पावरफुल एंड बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए आपको इसमें एड्रेनो का 506 का GPU दिया गया है। साथ ही आपको इसमें एंड्रॉइड का ऑडियो मिलता है। 3GB का रैम दिया गया है, तो 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है जिसको आप चाहे तो मेमोरी कार्ड से एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है जिसमें आपको LED फ्लैश के साथ PDF और HDR दिया गया है। वही आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जिसमें आपको सॉफ्ट LED फ्लैश मिलता है।
4000 mAh की बैटरी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और 4G LTE का सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों मेरे लिस्ट के बताए हुए सभी 5 स्मार्टफोन आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनको परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जो है फोन को बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल एडिटे को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।